चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस प्रत्याशी ब्रह्म स्वरूप सागर ने पूरी ताकत झोंकी। करीब 1500 समर्थकों और शुभचिंतकों के साथ उन्होंने शाहजहांपुर में रोड शो निकाला। इस दौरान जगह जगह पर व्यापारियों ने ब्रह्म स्वरूप का स्वागत किया और वोट देकर समर्थन का वायदा किया। रोड शो और जनसंपर्क अभियान था, क्योंकि आज प्रचार का अंतिम दिन है और सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता इस शहर से उमड़ा हुआ जनसैलाब है जो पूरी तरह से कांग्रेस के साथ नजर आ रहा है। कांग्रेस के समर्थन में पूरी तरह से जनता खड़ी हो चुकी है और ये जो आज का हमारा रोड शो है या इसे जनसंपर्क कहें, ये पूरी तरह से बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी शाहजहांपुर में बड़ी जीत दर्ज कराने जा रही है। जैसा कि एक कलान में जो एक कार्यकर्ता के साथ आपके भाजपा के कार्यकर्ता ने किसी तरीके कोई किया, क्या इसमें आपने क्या कार्रवाई? ये तो आप ही बता रहे हैं मुझे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कैरेक्टर ही यही है। एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ, दूसरी तरफ बेटी को अपने आप से किस तरह से उनका व्यवहार होता है बेटियों के खिलाफ या माताओं बहनों के खिलाफ, ये आपने कलान में देखा होगा। और हम तो साफ साफ कहते हैं कि जो लोग बेटी बचाओ का नारा देते हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो सब जनता को संदेश देते हैं कि जो भाजपा के लोग हैं उनसे बेटी बचाओ। शहर के मतदाताओं के लिए आप क्या बेटी पढ़ाओ? शहर के मतदाताओं से क्या, मैं पूरे शाहजहांपुर के मतदाताओं से ये अपील करना चाहता हूँ, पूरे 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी झूठ और झूठ 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 के अलावा कोई काम उन्होंने नहीं किया है, सिर्फ जुमलों की सरकार रही है। तो पूरे सभी मतदाताओं से मैं शाहजहांपुर के मतदाताओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि पूरी झूठी सरकार को उखाड़ फेंके और कांग्रेस पार्टी को मौका दें, राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। धन्यवाद। टक्कर में कोई है ही नहीं, मैंने देखा अभी पिछले दिनों में देख रहा था कि हम तो जनसंपर्क में बिजी थे, लोग जनता हमें बुला रही थी, गांव गांव गली गली मोहल्ले मोहल्ले जनता बुला रही थी, और मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो गांव में गेहूं काटने में व्यस्त थे। इसी से टक्कर नहीं, कोई टक्कर में है ही नहीं। गठबंधन के लोग धोखेबाज लोग हैं, उनके पास कुछ है नहीं। पूरे जो बीएसपी जीरो पर है, जिसके पास एक भी सांसद नहीं है, वो जिसका कोई खाता नहीं खुला 2014 में, और आज वो दम भर रहे हैं, कोई टक्कर नहीं किसी से, टक्कर नहीं, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस नजर आ रही है। कितने वोटों से आपको अपनी जीत दिखाई? मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस नजर आ रही है, पूरे शाहजहांपुर के मतदाताओं का कांग्रेस के प्रति समर्पण दिख रहा है, कांग्रेस के प्रति समर्थन दिख रहा है, पूरे शाहजहांपुर एकजुट होकर कांग्रेस को जिताना चाहता है। आरोप लगाते हैं कौन? आरोप लगाते हैं जरा मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं वो कहाँ के हैं, कहाँ जाके लड़ रहे हैं जरा बताइए मुझे, भाजपा की कहाँ बताइए मुझे, कौन बाहरी प्रधानमंत्री कौन है, कौन बाहरी बताइए मुझे, आप ही जवाब दे दीजिए। आप तो आपको प्रेस के जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वही बात कर रहे हैं, वो शायद प्रधानमंत्री को बाहरी बता रहे हैं कि गुजरात से आके वाराणसी में चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें बाहरी बता रहे हैं, मुझे नहीं, और मैं बाहरी नहीं।